हेलो हाय नमस्ते दोस्तों, फैक्ट यूनिवर्स के और एक वीडियो में आप सबका स्वागत है। क्या आपको पता है जिस कुंफू के लिए चीन दुनिया भर में मशहूर है वो हमारी पुरातन युद्ध शैली है। और हाँ, एक मछली ऐसी भी है जो तैरने के साथ उड़ भी सकती है। तो चलिए ऐसे ही रोचक तथ्य को लेके आज की वीडियो शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर वन, गिरगिट को तो आप रंग बदलते हुए देखे होंगे, मगर आपको पता है गिरगिट की जीभ उसकी कुल लंबाई से 2 गुना ज़्यादा लंबा होता है, जिसे वो छिपके आसानी से शिकार कर पाता है। फैक्ट नंबर टू, जापान में बस कर्मचारी अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए अनोखी तरीका अपनाते हैं। वो कभी स्ट्राइक नहीं करते दोस्तों, बस में जाने वाली यात्रियों से किराया नहीं लेते। इसके चलते उनकी गवर्नमेंट को नुकसान झेलना पड़ता है और मजबूरन सैलरी बढ़ाना पड़ता है। हो गया ना, यात्रियों का तकलीफ भी दूर और हड़ताल भी हो गया। फैक्ट नंबर थ्री, मछलियों को तो आपने पानी में तैरते और छलांग मारते हुए देखे होंगे, मगर आज हम बताएंगे उड़ते हुए मछलियों के बारे में, जो तैरने के साथ शिकारियों से बचने के लिए 50 मीटर ऊपर 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 200 से 250 मीटर तक उड़ के जा सकते हैं, जिनकी लंबाई 45 सेंटीमीटर तक होता है। ये प्रशांत महासागर के पश्चिम इलाके के कारिबियन द्वीप के बर्बाडोस देश में पाए जाते हैं। इसे फ्लाइंग फिश के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर फोर, बिना हेलमेट के तो आपको फाइन देना पड़ता होगा, मगर क्या हो जब आपका सर बड़ा हो और आपको कोई हेलमेट ही ना हो। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के छोटे उदयपुर के इलाके में रहने वाली जाकिर मेमन को ऐसा ही कुछ दिक्कतों से सामना करना पड़ता है। आज तक वो कोई हेलमेट पहन नहीं पाते और बार बार फाइन देना पड़ता है। अब तो इस हालात को देख के पुलिस को भी उनका चालान माफ करना पड़ रहा है। फैक्ट नंबर फाइव, जिस कुंफू के लिए चीन आज दुनिया भर में मशहूर है वो हमारे ही देश का देन है। हाँ दोस्तों, पुराणों के मत के अनुसार आधुनिक मार्शल आर्ट को सबसे पहले विष्णु भगवान के छठे अवतार भगवान परशुराम जी ने निजात किए थे। बिना शस्त्र के इस युद्ध कला को कलारी पयट्टू के नाम से जाना जाता था। 520 से 526 ईस्वी में जब बौद्ध भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निकल पड़े, तब चीन में वो बौद्ध धर्म के साथ इस कला की प्रशिक्षण देने लगे। आगे चलते ये कुंफू के नाम से पहचाना गया, है ना हम हिंदुस्तानियों के लिए ये गर्व की बात। तो ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।